अधारा थाना क्षेत्र के तेल्हारगुंड से आगे जमनीनार से एक किलोमीटर पहले स्कूल के पास एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जहां से 100 बरामद किया गया है। सूचना पाती अधौरा पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना से 2 गोली का खोखा, 1 मोटरसाइकिल बरामद कर उसके बाद 100 को पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल लाई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक भगवानपुर थाना क्षेत्र के तोड़ी गाँव निवासी गुलाब पासवान के पुत्र जंग बहादुर उर्फ टीशू पासवान बताया गया है। थोड़ी का रहने वाला है जंग बहादुर पासवान। इसका डेड बॉडी जमुनी नार जाने वाले रास्ते में अधौरा थाना क्षेत्र में पाया गया है, जिसकी शिनाख्त उसके पिताजी के द्वारा की गई है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, अब तक कार्रवाई की जा रही है। मैम, इसमें कुछ लोगों को FIR भी किया गया है, मतलब अभी तक उसमें कुछ सूचना प्राप्त हुआ है? उनके परिजन बयान देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं घर के परिजनों ने बताया कि गुरुवार की शाम 8 बजे जंग बहादुर के मोबाइल पर कॉल आया और वह घर से निकल पड़ा, लेकिन घर से निकलने के दौरान किसी को पता नहीं चल पाया कि वह कहां गया। आज सुबह में जमनीनार गांव से पहले स्कूल के पास डेड बॉडी को पाया गया। इनका घटना यह है कि 8 बजे खाना खा होगा सोए हुए थे, कल रात में, आज रात में, बीता हुआ रात में, देखे घर पर सोए हुए थे, उसी अनजान व्यक्ति ने फोन किया, इनको बुलाया, बुलाकर फिर इनको लिया गया और इनको लिया कर हम लोग को सुबह मालूम चला कि इनको मारकर फेंका गया। तो कहाँ लिया कर ले गया था? ले गया जैसे तेल्हारगुंड से 1 किलोमीटर आगे, जमनीनार से 1 किलोमीटर यहाँ स्कूल के बगल में। रात में ले गया था? रात में ले गया था। आज इनका डेड बॉडी कहाँ मिला है? इनका डेड बॉडी स्कूल के ठीक सामने बगल में मिला है। वही गाँव के लोग देखे होंगे तो वही सूचना दिए जी। फिर उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे? उनका बस मतलब प्रशासन पहुंचा, अपना कार्य पत्र लिख पढ़कर उनको यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और क्या नाम था इनका जो मरे हैं? इनका नाम है जंग बहादुर पासवान और टीशू पासवान। कहाँ के रहने वाले थे? टोड़ी भगवान, टोड़ी के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम भगवान पासवान। आप इनके क्या लगते हैं? इनका बनोई लगते हैं। सुबह में मवेशी चरा रहे चारवाहे ने घटनास्थल पर 100 को देखा तो 100 का पहचान करते हुए इसकी सूचना मृतक के घर पर दिया और इसके बाद पुलिस को दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंच गई तो डेड बॉडी के साथ 2 गोली का खोखा भी बरामद किया गया, बगल में से 1 बाइक को भी बरामद किया गया है। जहां पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए 100 का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। वहीं पोस्टमार्टम कराने के बाद 100 को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि जंग बहादुर पासवान को 4 गोली मारकर हत्या किया गया है, लेकिन अभी भी हत्या करने वाले का पता नहीं चल पाया है। मृतक जंग बहादुर की शादी 8 माह पहले हुई थी, जो 3 भाइयों में से बीच वाले थे। इनका किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं परिजनों ने प्रशासन से इस मामले में गहन जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मैम, इसमें कुछ लोगों को FIR भी किया गया है, मतलब अभी तक उसमें कुछ सूचना प्राप्त हुआ है? उनके परिजन बयान देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कैमोन न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट।